मेरे को पहले से पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं पहले से वीक है ना ऐसा किसको अपने <laughs> में से किसको था पढ़े <laughs> तू पढ़े था? नहीं मेरा मेरा रीजन वो नहीं है आई वांट टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस इसलिए मैं देखती हुँ, सीखती हूँ <laughs> ज़्यादा <laughs> तो जैसे लाइक अभी किसी के थ्रू मिलता है नहीं तू कैसा पता किसी के थ्रू मिलता है मतलब क्या पूरी बात वो एमएलएम भी कर और एमएलएम क्या है एमएलएम क्या है? बता थोड़ा एमएलएम एल एम इज अ रैपर एम एल एम एल काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म अभी तो कुछ कंज्यूम किया नहीं <laughs> है <नहीं>? भगवान <laughs> 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 और स्वागत है आपका और एक मजेदार में मेरा नाम है कुणाल राज और मैं इसको एक रेयर एपिसोड कहूंगा देखो कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि आप हार चुके हैं या आप थक चुके हैं आपको समझ नहीं आता को क्या करना है और ये एपिसोड ना उसी फेज में शूट किया था द मोटिव ऑफ दिस चैनल दिस पॉडकास्ट चैनल पूजा एंड अब दे आर फैटेस्टिक एक्टर्स दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ द्री वायन विडियोज यू कैन डेफिनेटली चेक दी हर शेर अड पर्सनल इनसाइट जो हम यूज शेयर नहीं करते आई ऑल्सो यूजअली डोंट शेयर those are there in this episode and if you are someone who likes to listen to a friend's conversation then definitely you will be able to relate the atmosphere enjoy so that was the start of the podcast so we have vijay abzaz पूजा, अभी इसको क्या बोलना चाहिए? या करते हैं, क्योंकि उट वि है, है जो कि मुझे पता नहीं मुझे बचपन से एक्चुअली बनना था इसीलिए मुझे वो स्पेलिंग बराबर पसंद है हमेशा से मैं चाहता था कि मैं स्पेलिंग में अच्छा रहू स्पेलिंग में अच्छा बनना था इसीलिए क्या बोलना चाहता था उसके बारे में ओ अलग ही फीलिंग है ऐसा कैसा टॉक्स स्कूल में बुलाया था मेरे को जो जूनियर है ना मेरे से तो उनको टॉक देने के लिए कि लाइक मैंने कैसे स्टार्ट किया कि जीरो इन्वेस्टमेंट इवेंट्स इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट का, event event, का, event हाँ, का हाँ, कैसे स्टार्ट किया मैंने कहाँ से शुरू किया कैसे किया उसके लाइक आउटकम्स क्या है एडवांटेजेस डिसको कैसे कंप्लीट करना है और सब कुछ एक्चुअली थ्री वाइनर्स ने भी शुरू किया था पता इवेंट मैनेजमेंट वी स्टार्टेड आउट इवेंट मैनेजमेंट का ये भी पता नहीं था कार्ड पे एक फ्रेंड ने बोला कि कुछ रहेगा तो बता मैं यू you नो know, हम लोग कोलेबरेट करेंगे थ्री वाइनर्स नीचे है वीडियो जब वो वाला वीडियो बना रहे थे हम लोग जो पार्क में बनाया था हम लोग ने फर्स्ट वीडियो हाँ इसका वीडियो बनाया था ना वो डाला इवेंट ऑर्गेनाइजर डाला और कार्ड बांट रहे अच्छा ऑर्डर नहीं है अपने को ठीक है रोने से याद आए मुझे कौन रोता है हु क्राइज वॉचिंग मूवी

एक्सपेक्टेशन बहुत रख के गए थे मैं अवतार टू देख के रो रहा था एंड दे लाइक क्या हो गया भाई अवतार टू देख के क्यों मतलब रो रहा नहीं हूँ मैं अभी ऐसे मतलब एकदम इतना अच्छा सीन लगा ना ऐसे ऐसे फ्लो मैं मैं मतलब साइड में रहना कुछ ना <laughs> एंड आई वॉच डिट इन आईमेक्स अभी आईमेक्स देखने के बाद मुझे मन नहीं कर रहे कहीं और के है। नहीं। जो कि अभी तक यहाँ पे है नहीं पता नईमेक्स नहीं? क्या मतलब इट्स लाइक तो यहाँ पे है नहीं वो गोवा में तो है ही नहीं देखा Normal देखा है। है, 3D देख, देख, आप देख सकते हो अरे नहीं आईमेक्स कैसा है योर करेंट स्क्रीन इज जिसमच ठीक है आईमेक्स में जितना दीवार है ना ऊपर भी वाइड रहता है नीचे वाइड रहता है पूरा रहता है इतना बड़ा रहता है

कुछ सीखने सीखने मिलता है इसलिए देखती हूँ ऐसा नहीं पैसा बर्बाद करना है करके तो जितना इन्वेस्ट हाँ अगर कोई स्टोरी बहुत फ्लॉप हो मतलब हाँ एक चीज़ जरूर सीखने को मिलते है कि भाई ऐसी स्टोरी नहीं बनानी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग पीपल हैव सुपर स्टार पीपल हैव सो मच ऑफ मनी बट देन वाई डोंट दे फोकस ऑन द स्टोरी लाइन मतलब तुम लोग हीरो हीरोइन मतलब इतने बड़े बड़े लेते हो शाहरुख खान को ले रहे हो दीपिका पादुकोण को ले रहे हो एंड स्टोरी इतना फालतू तो कैसे मतलब क्यों <laughs> serious. वो देखा ना कैसे मतलब कोई नशा करता है वाने वो करता करता है क्यों करता? है. ऐसा कुछ नहीं है hardly watch movie, last था उसके बाद मैंने देखा नहीं लगता अभी आई मैक्स में जाऊंगा मैं अगले व्हाट इज वर्स्ट मूवी सीन रिसेंटली नॉट वर्स्ट मूवी चलो ये <laughs> okay. <टेटी मुझे> ना <laughs> बधाई दो, दो एन एक मूवी में हाफ में छोड़ के गई थी वो थी अंतिम वो अंतिम वा? तक देखा ही नहीं उसने हाँ मैं गई मतलब नहीं भाई नहीं टॉर्चर था आधा मूवी अफोर्ड कर सकती है छोटे <laughs> के लिए हम रहे खा के जाएगी मैं आंख बंद करके सो जाऊ लेकिन रोहित शेट्टी की हर एक मूवी मुझे रिक्लाइनर चाहिए बस और कुछ नहीं विजय कौन सी है टट्टी मूवी <laughs> <laughs> नहीं नहीं वो तो का जोल्ड द फर्स्ट क्रिटिक यार कहाँ से लेता है तो इंस्पिरेशन लाइक टू एक्टर और मैं पता नहीं <laughs> <laughs> आ जाता है भाइयों इसने इसने एक्टिंग छोड़ दिया है अभी <laughs> नहीं 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 ना देख देख चेहरे पे लग रहा है <laughs>

बता बता हाँ तो सलमान खान का एक मूवी आया था जो वो कौन सा जो उड़ता है रेस्त्री। हाँ रेस्त्री। रेस्त्री में लाइक 12 बजे को जो था ना रात वाला रात वाला जो 9 बजे से 12 बजे कुछ होता तो आधे में मैं सो गया था देख के लेकिन जो खराब है वो वाला तो रोहित शेट्टी का है <laughs> हाँ, थोड़ी वीक रेस्ट्री थी रेस थ्री को, कंपेयर करके बोलता है सर्कस खराब है हाँ नहीं बिल्कुल नहीं यार रेस थ्री में वो क्या स्टोरी है पता नहीं हर बार स्लो मोशन दिखाया मैंने पैरडी देखा मूवी नहीं देखा उसका अभी पठान आया पठान के लिए तो कितना क्रेज है घंटा क्रेज है मेरे को उतना <laughs> इतना जैसा लोग ने बोला उतना पसंद वही मूवी के लिए मैंने बोला कि सुपरस्टार लेते हो स्टोरी पे क्यों नहीं ध्यान देते हो समझा <laughs> पठान देखा गया

सॉरी सर आई यू नो आई इंटरप्टेड यू कुछ खराब किससे बोल रहा था बिफोर द पॉडकास्ट जो बोलना चाहता है स्पेशली एक एक हुआ था लाइक like, सबसे uh, मैंने लाइक like, वो फर्स्टली फर्स्टली ये स्टार्टेड इवेंट ऑर्गेनाइजिंग लेकिन उसको डेकोरेटर वाला बोल रहा है सो ही वांट्स टू क्लेरिफाई दैट ऑन रिकॉर्ड मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं डेकोरेटर नहीं डेकोरेटर मेरे अंडर है उसके अंदर है डेकोरेटर अंदर है अंडर है हां अंडर है तो कोई कोलवा कोलवा बोल था ओके तो कोलवा प्लाजा में लाइक किसी के थ्रू लाइक जो होते हैं ना सर्कल्स में उसके थ्रू आया था मेरे को एक ऑर्डर आया था तो उन्होंने क्या बोला मेरे को उनका लाइक अब मैं मतलब तेरा अगर तेरा भाई का कुछ है तो मैं ज्यादा जा, से ज्यादा <laughs> <को ले। laughs> बता बता हंस <बता। laughs> <अस> लेते पहले होता है ऐसे

सीरियस बात बता रहा है बट इसलिए बोलते हैं दोस्त को बिजनेस से बदलो यही होता है देख सीरियस मैटर तो ये काम करना ये काम करना ऑडियंस को देख के बताना हाँ, या, या या या, या।, या, या बेटर नहीं तेरे को बोलता ना कि तुझे एक्सप्लेन कर रहा या या बता 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 ओके यहां से देखूंगा फिर ये दिखेगा फिर होगा ही नहीं कंप्लीट हां तो Uh, एक मिला था मेरे को लाइक फ्रेंड के थ्रू मिला था hmm. तो फ्रेंड के थ्रू मिला बोल के मैंने लाइक उसको लाइक जब से लीस्ट प्राइस दिया यू आर डिस्टर्बिंग यू डोंट लुक एट हिम साले इतना सीरियस सीरियसली हंसता है शर्म नहीं आता हम वी विल कीप दिस टॉपिक बी अ बाद में <laughs> लास्ट में बोलेंगे जब सबका हद खत्म होने वाला है क्योंकि वी मूव दिस मेरे को सुनने का है नहीं वी मूव दिस टॉपिक टू अदर अदर पॉडकास्ट नहीं रही नहीं पूरा सुनना लास्ट में जानता हूँ आपको वो अफजाज़ का दर्द महसूस होता होगा कि बेचारा अपना कहानी नहीं बता पा रहा है बट डोंट वरी आई थिंक बाई द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ही शाल बी एबल टू शेयर इज स्टोरी बट मैं इधर क्यों आ गया आई एम हेयर टू शेयर यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट सो दिस पॉडकास्ट दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाई कैर एफ मीडिया अ वेरी ओन मीडिया प्रोडक्शन हाउस वे वी डील विद Video production that is the shoot, video editing, visual effects, 3D, 2D animation, and much more. Adding life to stories is our motto. And if you are curious to know what KRF Media does, what I do, then definitely check out carefmedia.com or link will be there in the description. Let's jump in the podcast starting in 3, 2, 1.

चूतिया रियलिटी शो है बट देन सिंस आई एम वॉचिंग इट सिंस लाइक सिंस सीजन तो मैं अभी एडिक्ट हो गई सो so, जो एडिक्ट हो जाते हैं ना उनको देखना ही पड़ता है दो आई नो कि इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम बट स्टिल डोंट गिव मी दैट एक्सप्रेशन क्रेज है बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि पहले तो उस शो को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं एंड देन यू नो एम सी स्टैंड जैसे अगर लोग आएंगे शो में तो लोग और देखेंगे जिनको इंटरेस्ट है भी नहीं वो लोग देखेंगे सो ऑब्वियसली यू वॉच

अरे <laughs> भी। अरे अब अगर ये बिग बॉस बजा रही ना तो मैं भी जाऊंगा पीछे पीछे मैं तो जाऊंगी भाई बट एनीस फै, फैप से याद आया लाइक वॉट थिंकिंग नॉट देट बट देन वो जो एथ स्टैंडर्ड के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे ना मैंने कल ही देखा एंड आई जस्ट नोटेड इट नाउन गैस कौन सा फॉरवर्ड फेब्री का 29 30 31 को हॉलिडे है <laughs> वही वैसा ही कुछ 28 29 30 को गवर्नमेंट फ्री पेट्रोल दे रही है पेट्रोल दे रही सच में दे रही है हे <laughs> भगवान फ्री नहीं, नहीं रे मतलब हाफ प्राइस में 29 30 31 फरवरी को पेट्रोल फ्री दे दी क्यों पता नहीं ओ माय गॉड यू आर सो इनोसेंट जयंती so है फेब हां फेब 29 30 31 29 30 31 हां जयंती है सो डम

यू आर स्ट्रगलिंग के चार साल एक बिग शार्ट आउट बुपेट कुछ रिलेशनशिप का पॉडकास्ट रहेगा देन विल गेट यू ईयर बट देन वो स्ट्रगल करता है कि ही इज नॉट एबल टू स्विच जॉब्स ठीक है हम जब हर बार बात करते <laughs> हर बात बात करते जब तक वो सोच रहा है चेंज जॉब्स तो क्या है व्हाट इज द राज क्या है उसका इधर yeah. मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा uh. कंफर्ट जॉब मिलेगा अच्छा व्हाट डू यू लुक फ्रीडम बट ये अफजाज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत <laughs> मैं लास्ट में बोलूंगा <laughs> मैं बोलूंगा तो हंसने लगेगा वापस नहीं। कोई नहीं अभी सीरियस मैं जब कॉलेज में था तो मैंने कुछ काम नहीं किया ऐसे पार्ट टाइम कॉलेज खत्म हुआ काम काम खत्म हुआ काम, काम के टाइम मैं पार्ट टाइम कर रहा था काम के टाइम तो so, ये अभी तक तो स्टूडेंट है बट इज गिविंग टॉक इज वर्किंग इवेंट मैनेज कर रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग सोच रहा है तो वो बहुत चीजें तो ये इंट्रो में देना था मैं अब भी दे रहा हूँ बट

तीन चार महीने हो गए दु, दुख दुख <laughs> दुख मैं दोपहर को जाता था लेकिन बहुत बहुत मुश्किल हुआ था मैं अब बोल लेंट वैसा कैसे बोला अभी मैं हंस हंस के बोलूंगा तो ये बोलेगा हंस के बात कर रहे हैं सीरियस बात करूँ पहले का टॉपिक क्या मैम भूल जाता हैं यार आधा पॉडकास्ट खत्म हो गया

बोलो बोल। तो टॉक कैसे देगा अगर तेरे, तेरे सामने वो, ने ऑर्डर वो, दिया अलग वो सब अगर, लोग सीरियस होते अगर, अलग नहीं नहीं अभी तो टॉक दे रहा लेकिन तेरे फ्रेंड्स लोग भी आए सामने ऐसे फर्स्ट रो में बैठा हुआ है तो मैं उनको इग्नोर करूंगा ना तो आभी आभी करो। आभी अभी अभी इग्नोर कैसे कर सकता हूँ वो लाइक ऑडियंस सामने होती है लाइक मैं उनको बोल रहा

बुक लेके बैठा सुनोगे हुआ है है क्या कभी ऐसे कोई दरवाजे पे कर रहा है। <laughs> <भी आगे। laughs> वो पूरा सही के भी लंगड़, लंगड़ <laughs> एक, एक तो देर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा इंग्लिश में कुछ बोलते बताए झुंझुना जुन तो नहीं बोल सकते ना हिंदी इंग्लिश में क्या है यू नो है ना कुछ ना पैर नम हो गया हिंदी में नम बोलते हैं ना इंग्लिश हाँ। बोल रहे है नम एन यू भाई हम लोग फेंकते नहीं नहीं आता तो नहीं आता इसके जैसे फेंकते नहीं एन यू एम बी एन यू एम इंग्लिश में नंबर हुआ ना हुआ। तो वैसे बोल ना <laughs> तू तो नम बोल रहा है <laughs> <laughs> मेरे को फीडबैक्स आया लाइक पॉडकास्ट थोड़ा सीरियस होते जा रहा है

क्या सुनना क्या पसंद है तेरे को इनकी स्टोरीज आर्टिस्ट स्टोरी मैंने पोल डाला था आर्टिस्ट स्टोरी बोल रहे थे लोगों की कहानियां के, के बारे में घुसना इट इज़ नॉट गुड लाइक। वैसा नहीं मतलब ऐसा कि लाइक like...

उसके बाद खुद के कुछ म्यूज़िक एल्बम्स रियलिटी शोज़ मॉडलिंग में चली गई देन डांसिंग मॉडलिंग तो ऐसे शुरुआत हुई है अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है मुझे नहीं लगता मैं अपने मिड तक भी पहुंच गई हूँ अभी तक तो बहुत लंबी रेस है अभी फिलहाल लेकिन टेंथ तेन, या ट्वेल्थ

डांसिंग हो फी ड्रामा हो कुछ भी हो तो अभी तक आउट नहीं है वो. नहीं, उसका डेट दिया था वोट के लिए uh, उन लोगों no ने यूट्यूब पे बट देर नो साइन ऑफ लेकिन अगर मुझे आप पूछोगे ना कि मुझे क्या स्किप करना है मतलब मैं बहुत वर्सिटाइल हो मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ तो मैं मॉडलिंग स्किप करूँगी ब्यूटी पेजेंट स्किप करूँगी इफ़ यू आस्क मी आई एल कंटिन्यू विथ एक्टिंग और डांसिंग आई स्किप मॉडलिंग इफ़ यू आस्क मी वाई देन इट्स ऑलवेज़ फिक्स्ड फिक्सड इन द सेंस अगर आप मिस uh, इंडिया भी ले लेते हो तो आजकल ना एक न्यू ट्रेंड बन गया कि डस्की इज़ ब्यूटीफुल ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल तो सिर्फ वो एक ट्रेंड को ये लोग हिट करने के लिए जो डिजर्विंग नहीं भी होता है जस्ट बिकॉज शी इज़ डार्क आई एम नॉट से इज़ नॉट डिजर्विंग डिजर्विंग बट इन लोग को ज़बरदस्ती किसी ऐसे को एक फर्स्ट थ्री में विनर बनाना पड़ता है जो डस्की हो डाक हो सो so, ऐसी चीज़ों में आई वॉन्ट टू स्किप दिस बिकॉज डिजर्विंग को कभी मिलता नहीं या तो आप पैसे दे के जीत लो या तो फिर रियल uh, में आपकी किस्मत होगी तो जीत जाओगे या तो फिर ऐसी सब चीज़ें आपको जिता देती है डस्की है या फिर ये ट्रेजिडी हुई है ऐसा सब तो वो सब चीज़ें फिक्सिंग जिता देती है सो आई वॉन्ट टू स्किप दैट

तो लाइक उनका क्या होता है मतलब अभी हंस रहे हैं उनको अचानक से रोना पड़ता है तो वो कैसे करते हैं क्योंकि ये तो मुझे मालूम नहीं है और लाइक मेरे से तो होगा ही नहीं है मतलब आप बोल कि कोई सीन ऐसा है जहाँ पे आप रो रहे हो लेकिन अभी आप मतलब रहे। एक फ्रेंड सर्कल में हो लाइक आप हंसी मजाक कर रहे हो अचानक से एक सीन में कॉल आया कॉल आने के बाद आपको कुछ बुरी खबर बोली तो फिर उसमें क्या दिखाता है तो वेन यूर नो आपको ये सब चीज़ें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती मतलब वो ऐसी इनबिल्ड होती है ना कि हाँ आप नेचुरली आ जाती है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग आ... में उसको लाइक कुछ प्रोसेस होगा ना कितना कैरेक्टर के अंदर घुसता है ना आ, तो अभी आप मुझे पूछोगे तो मैं अपने इससे बोलती हूँ कि मुझे कोई आप स्क्रिप्ट दोगे या कुछ भी दोगे ना आप बोलोगे ऐसा करना है बट जैसे मुझे नेचुरली निकलेगा ना विद द फीलिंग्स इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स वो वैसे ही नेचुरली निकलेगा आप मुझे कितना भी स्क्रिप्ट करके दो कुछ भी बोलो तो वो जबरदस्ती होगी तो जो आप पूछ रहे हो ना मुझे सो इट्स इमेजिन करके imagine, रोती हूँ हाँ अगर वो सीन ऐसा है ना कि रोने वाला टाइप है तो या तो उसी को इमेजिन करके रोती हूँ या तो फिर आई थिंक अबाउट सम ट्रेजिक You, you, you don't have any tragic incident ah, so <laughs> tragic like imagine karna wala hota hai aur like past ka, so, 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 ka. Uh, so, uh, ka soch so, past ka soch ke pehle past ka soch ke ye february roya rahega na february nahi roya february mein kya sab to wahi kuch personal tragic story hogi to usko soch ke <laughs> <laughs> जिसने खुद धोखा दिया वो माने क्या सोच रही <laughs> है अभी इसने हाँ उसको तो वो टाइम पे थोड़ा ऐसे हो <laughs> ना ये भगवान अरे वाह क्या काम किया मैंने तो कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा ना फैमिली से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड ऐसा कुछ सोच के रो सकते हो पेट हाँ पेट नहीं पेट पेट क्यों जी रोते वी हैड वन वीडियो जो कराक्ष जो रिलीज नहीं हुआ ठीक है ये सोच के भी रोना आता है

एक एक ही डायलॉग था एक ही छोटा सा है ज्यादा बड़ा और एक था रिवील्ड नहीं है मैं बता रहा हूँ वो दरवाजा खोलता है खोलता है ठीक है एक रूम है एक स्मोक है और एकदम पड़े हुए ही गेट्स अप वो बैंक कर रहे हैं दरवाजा कौन है कौन है तो ये उठता है बोलता है कौन हूँ मैं और मैं कैसे आया <laughs> मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया ये बोला तो मैं

ठीक है अभी देखो मैंने मैंने ऐसा बोला है ना तो कोई अगर मेरा एनिमी होगा कोई राइवल होगा ना तो वो फिर आपको जानबूझ के जिता भी सकता है कि मुझे गलत प्रूफ करने के लिए तो लक आजमा लो ज्यादातर शो स्क्रिप्टेड ही होते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है सीरियल्स वगैरह शीर बाबा इट्स मेंट टू बी सीरियल सीरियल सीरियल्स भी इट्स बी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं scripted मतलब उनका क्या है मर गया हो गया, गया जिंदा हो गया। सारे आ, चैनल चल रहे पल सोनी, पर्ल, सोनी ये वो पहले पहले के एपिसोड डाल दे रहे आ, जिनको काम नहीं देखते बेटे सीरियल का छोड़ो पोकेमोन देखता हूँ लड़कों का तो वही है कार्टून देखते है या फिर और कुछ दो चीज के बीच में रहता है ना ज्यादा हो जाते। लड़कों को सुना नहीं कार्टून के बारे में वगैरह की बात करते पहली बार देख रही हूं मैं नहीं, ना? कार्टून, हाँ, कार्टून, <laughs> नहीं कार्टून में बहुत कुछ सीखने मिलता है मैं खुद देखती हूँ हाँ, अलग होता है कार्टून अलग है सिंचन <laughs> वाला एनीमे देखते है श्योर अनु क्या है सिंचन कार्टून देगा एनिमे <laughs> है। एनिमे वो है एनिमे वो है। कमेंट करके बताओ

<laughs> तो कर करके थक गया। एपिसोड वन था उसके साथ एपिसोड जीरो और जो था हम लोग ने जो बाहर गया रिकॉर्ड डाला दे, एक ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया वो डाला दे, एक राधिका और एक समीक्षा वाला रिकॉर्ड किया था वो भी नहीं डाला ये वाला डालेंगे या ये भी लाइक ऑफ कोर्स। ये आएगा कोर्स आएगा है 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 सुना ना। मेरे किसी ने बोला कि well कि भाई को को ना ना जाने वाला है ना, उसको पूछ ज़्यादा हो रहा है, अपना कर तेरे तेरे मतलब मतलब में पे जाके क्या करने का मतलब वैसे शादी करने का क्या कर, क्या अरे <laughs> 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 मतलब तेरे को कहीं और जाके शादी भी करने का है, है ah, लव मतलब लाइफ के बारे में

मैं मैं कभी कभी डरता हूँ कि ये लोग उल्टा ना पूछ ले मेरे से कि मैं, मैं मेरे को बताना पड़ेगा तो अब्जा अभी जैसे तो जो तो टॉक दिया था थ्री पीस ऑफ एडवाइस यू लाइक टू तो गिव अभी इतना एक्सपीरियंस हुआ इवेंट का चली, इवेंट का एक्सपीरियंस है मतलब इवेंट का नहीं दूंगा पढ़ने में ज्यादा वेस्ट नहीं करना है पढ़ाई में ज्यादा नहीं थोड़ा लाइक जिसका लाइक फोकस है कि लाइक आगे जाके सिर्फ काम मतलब ये लाइक एम्प्लॉय बनना है नौकरी करना है तो पढ़ो हाँ नौकरी करना अगर पहले से दिमाग में रखा है की हाँ मेरे को आगे जाके नौकरी करना है तो लाइक पढ़ो मर मर के पढ़ो ऑफिस हाँ। लेकिन अगर पढ़ोगे तो नहीं तो वहाँ नहीं पहुँच अगर पहले से सोचा है कि लाइक नहीं मैं लाइक पढ़ रहा हूँ बस ऐसे ही लाइक मेरा मेन एम है कुछ और करना है है साइड साइड हसल हसल करो थोड़े लोग लाइक इन्वेस्टिंग करते हैं वो एक एडवाइस दे रहा हूँ क्रिप्टो में वेव्स नाम का कॉइन है उसमें अभी इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो इज सब्जेक्ट टू तो मार्केट रिस्क प्लीज इन्वेस्ट कर दो दिस वेव्स में करो और विजय ने वहां से स्टार्ट किया आज किधर है देखो क्रिप्टो से स्टार्टिंग मैंने कितना 7000 से किया अभी 1500 है मेरे पास क्या क्रिप्टो <laughs> 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 बोलता है कि इन्वेस्ट कर ऐप पे डाल

बट बहुत बेसिक है बहुत कम है एक एड का सेंट्स में मिलता है पैसा में मिलता है कौन अगर गैस करेगा ना ये मंथ का इनकम क्या है डेढ़ सौ छह महीने ना हाँ ये महीने का तो सी डेज का बता रहे बस हाँ, लेकिन मिला वो नहीं पता अरेट करते बोलूंगा एवरेज व्यूज फाइव हंड्रेड टू वन के आता है पर व्यू का कितना है पैसा में आता है कभी रुपया में थाउजेंड से सौ रुपए तक रह सकता <laughs> है <laughs> के के नीचे बोला बोला था ऐसे था था तो उसके मैं बोला 50 प्लस और तो मैं रहेगा चलते जिता देता बोल रहा है है ना पूजा देखो लोगों को लगता चैनल पे हजार पाँच सौ लेकिन पचास बीस एक महीना पॉडकास्ट करने के बाद दो लोग एडिटर थंबनेल बनाओ पूरा करो एस करो इंस्टाग्राम पे डालो और जाके लाइट सेटअप करो जिनका बिल डेढ़ हजार आता है ए सी का आता है वो सब करने के बाद एक सौ अठारह रूपए नहीं होता है ना अभी मैंने सत्तर लोगों का इंटरव्यू लिया है प्रोबेबिलिटी है ना की जीरो पॉइंट जीरो एक बंदा तो हिट होगा भाई इंस्टा पे हुआ था ना लेकिन लेकिन कुछ मिला ना इंस्टा पे हुआ था

रिकॉर्ड होके डिलीट हो जा रहे हैं रिकॉर्ड होके नहीं आ रहा <laughs> एक 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 दो इसके वजह स्पेशली द वीडियोस इन व्हिच यू आर अच्छा यही पन है सर डेट <laughs> नहीं किया कभी किसी को लाइक बुलाया नहीं चलो स्नैपचैट के बाहर नहीं कर स्नैपचैट के बाहर वो जो भी है स्नैपचैट पे ही करता है पर्सनली मिलता नहीं नहीं लाइक ऐसा नहीं है मतलब मिलता है अरे वो भी नहीं

अभी वैसे <laughs> बोले तो अभी नहीं लेते <laughs> तू इवेंट में ही सही है <laughs> <laughs> बाद में कुछ नहीं वो कंपनी तो, वो ऐसे लाइक मैं अभी एक शॉट बना के डाल सकता हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू लाइक सोच ले कि तू तो बोलो इंटरव्यू कर रहा है कि पहले लाइक तुमको लगा था वो कंपनी एकदम मस्त है लेकिन जब अंदर आता तो तुमको काला सच पता चला है। जो भी एनवायरनमेंट है बहुत टॉक्सिक है नहीं चल और तुमको लगता है सामने वाला जो मान लेगा ठीक है चलेगा तू तेरा जॉब रख मैं अपना जॉब रखता कितना लेगा नहीं होता है वैसे, रियल लाइफ में कितना लेगा नहीं बोलते इतना देगा तू <laughs> kind of अभी तो कुछ कंज्यूम किया story, जो बता रहा था <laughs> अभी तो आप सीरियस हो गया तो बता टेल हाँ तो मैंने लाइक शुरू किया था काम करना काम करना टेंथ के टेंथ के बाद नहीं टेंथ टेंथ जब क्लास होना उसके बाद से मैंने श्ट, लाइक स्टार्ट कर दिया था लाइक वर्क एंड काम मतलब पढ़ाई और काम दोनों करना फिर करते 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 लाइक मैंने अभी छः महीने पहले इवेंट्स चालू किए लाइक इवेंट्स करना तो वो भी लाइक अभी चालू किया उसने नाम इवेंट्स रखा है द इवेंट्स जाके चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे <laughs> <laughs> सब सब ही वहां से मैंने दो इवेंट्स मतलब चालू किया फिर अभी वो लाइक ग्रो हो रहा है स्लो 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 तो इससे शायद और भी लोग वो डेकोरेटर नहीं है <laughs> विजय अपना स्टोरी बताते रहता है वड़ापा वाला हाँ। तो चुरा पति लेने का तेरी, तेरी चुराने वाली है कुछ बड़ा चुरा में बोलता है कि बड़ा चुरा रह गया तो इसके सामने सिपति मांगने बचा ये वो लड़का नहीं जो दो इवेंट्स के बारे में सोचता है ये अभी दूसरा पर्सनैलिटी है क्या रहता है ना मिसकन क्या कहते हैं टॉप पहले तो ये मतलब जिनको उस फील्ड में जाना है उनके क्वेश्चन रहते है की हाउ टू डू इट कैसे बिगनिंग कैसे करनी है क्या करना है तो द इजिएस्ट वे टू यू नो गेट इन टू मॉडलिंग इस थ्रू ब्यूटी पेजेंट्स ओनली तो या तो आप फोटो अपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर लो यू नो कुल करते रहो फोटोशूट्स करो यू you नो know, रैम्प बॉक्स का वगैरह वीडियोज डालो और ये सब ब्यूटी पेजेंट्स करो उसके लिए आपको अगर बिगनिंग करनी है ना बस माइंड सेट ये रख के चलना कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे उसका ये मत फोकस मत करो हाँ क्योंकि

अभी हो। देखो मेकअप क्या है ना लड़कियों का अलग चेहरा अलग वाई इज दैट बिकॉज आप जब किसी ब्यूटी पार्जर में जाते हो सो इट्स लाइक यू नो कोलेबोरेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप तो दिखेगा ना मेकअप आर्टिस्ट को आप कोलैब ही नहीं कर रहे कोलैब कर रहे हो तो मेकअप तो दिखना Natural चाहिए बेटी लड़कों का क्या होता है लाइक like, अगर कहीं शादी पे भी जा रहे लड़कियों का लाइक like, चालू रहता है लड़कों का अगर सोए उठा धोया बाल ऐसे मतलब हाथ से ऐसे नहीं की लाइक like, जेल लगा के ऐसा ऐसे, ऐसे लड़के भी है जो मेकअप करते है मेरे कॉन्टेक्ट में तो है है रेयरली उनको लड़के नहीं बोलेंगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं लड़के है

सो so, ये एपिसोड के लिए बस इतना ही होप यू एन्जॉयड लिसनिंग अगर आपको लगता है कि 3XP और 3XP एक्सपी टीम मेंबर्स को ला के सिमिलर एपिसोड किया जाए देन लेट एस नो इन द कमेंट्स दिस इज मी कुनालदास साइनिंग ऑफ एंड यू आर लिसनिंग टू 3XP पॉडकास्ट बाय कैर मीडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन